परिंदों को गर्मियों के अंदर। पसीना मैंने ले लिया, अभी मैं चलता हूँ परिंदों के पास। लो जी पसीना मैं जो है इनको डालने लगा। पसीना गर्मी में बहुत ज्यादा मफीद होता है, पसीना लाजमी डाला करो अपने परिंदों को। ये एक तो इनके जो है इम्यून सिस्टम को बेहतर रखता है, दूसरा गर्मी के बहुत सारे तोड़ हैं इस पुदीने के अंदर। पुदीना हम इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये बस इसको भी इतना सा डाल देते हैं, बाकी ऊपर थोड़ा सा जावा को डाल देते हैं। जावा होपफुली ये थोड़ा सा ना खा लेगी, नहीं खाएगी तो उठा लेंगे वहाँ से। इसकी ये निकाल ली और मैंने ऊपर ही रख दिया। अभी कितने लगा था? हाँ ये खा लेंगे, यहाँ से खुद ही आगे खा लेंगे। अभी वहाँ पे जाके ना दूसरे बर्ड को डाल देते हैं, ऑस्ट्रेलियन को मैंने डाल दिया था। उनको मैंने पहले ही डाल दिया, ठीक है। ये देखो कितना खूबसूरत लगता है ये। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सर जनाब वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सबसे पहले तो ईद मुबारक आप सब लोगों को। उम्मीद है कि सब जो है ना धूमधाम से ईद मना रहे होंगे, कुर्बानी कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी कुर्बानियाँ भी कबूल फरमाए, घर बार में बरकत डाले और आपके परिंदों में भी बरकत डाले। जनाब चलिए चलते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो पुदीना मैंने आपको दिखाया, पुदीना जो है ना बर्ड्स के लिए बड़ा मुफीद होता है। पुदीना मैंने इनको तो डाल दिया, बाकी दूसरे बर्ड्स को मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया, ठीक है। चलिए इनको भी जो ना थोड़ा सा मैं डाल दूँ, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। ये एक एक जो है ना मैं ये डब को डालूँगा। डब पता नहीं खाती है कि नहीं, वैसे खाती हैं लेकिन ये बिल्कुल छोटा छोटा सा जो ना करके दो, बरीक बरीक करके दे दो तो खा लेती हैं। तो अभी ट्राई करते हैं, नहीं खाएँगी तो उठा के नीचे ऑस्ट्रेलियन को डाल देंगे, ऊपर जावा को डालते हैं। ये जी जावा को डाल दिया। अभी अभी चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाके जो ना आपके लिए बहुत एक अच्छा सा सरप्राइज है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, आपको दिखाऊंगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, आपको आज एक ऐसा तरीका और ऐसी खुराक बताऊंगा कि आपके परिंदों के पहलवान बना रही है, ठीक है जी। तो वीडियो में एंड तक लाजमी बने रहना। तो लेट्स गो ऊपर चलते हैं। तो जनाब एज यूजुअल मैं ऊपर आ चुका हूँ और ये जनाब मेरे वेलकम में खड़े हैं। पुदीना मुझे नीचे रखना भूल गया, ऐसे कबूतर वगैरह तो पुदीना खाते नहीं है, तो मैं जाता हुआ नीचे ले जाऊँगा। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये कूलर जो है ना ये एक्चुअली तो अपने लिए ही लाए थे, लेकिन अभी परिंदों को भी लगाया हुआ है। जनाब क्या हाल चाल है आप सबके, ठीक हो? और ये दोबारा अंडों पर आ गए, देख लो मैंने कहा था ना कि जैसे थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं दोबारा अंडों पे आ जाते हैं। हाँ जी क्या हाल है? ये देखो जनाब। अच्छा यार इसका जो ना मेल वो मर गया था, तो मैं मेल भी नहीं लेके आऊँ, ये यहाँ पे किसी के साथ एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे जो है ना ये देखो ये मारता है यार, छोटा सा है और देखो कितना बड़ा हो गया। वाह कमाल है, कमाल है। और देखो कितना बड़ा लगता है ये देखो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेल है ये फीमेल है, उनका साइज बताता है। और ये देखो ये कितना खूबसूरत निकला है, कितना खूबसूरत है यार, ये भी बहुत खूबसूरत निकला है। ये देखो कमाल है, बहुत खूबसूरत सदके। हाँ जी आ जाओ, उधर चूहे हैं बदतमीज। इसको वहां पे रख देता हूँ वापस। ये भी दोबारा अंडों पे आ गए ये, और ये आई थिंक जो है ना लगे हुए थे, इन्होंने इसको पाला है। वो इसके नाक पे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा यार ये जहरबाद है, ये जहरबाद जो है ना ठीक हो जाता है। ये एक्चुअली जो हम घर में यूज़ करते हैं ना थोम जो लहसुन होता है उससे ये ठीक हो जाता है। तो उसका भी तरीकाकार मैं आपको बताऊँगा। पर हाल ये अभी
उतना इसको तंग नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि ये फैलता जा रहा है, मुझे इसका जल्द से जल्द जो ना कुछ करना पड़ेगा। सो तो ऊपर वाले जो है ना बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे छोटे से हैं, क्योंकि ऊपर से कबूतर उड़ जाते हैं फिर वो, इसलिए जो है ना मैं जल्दी ऊपर आके ना वीडियो बनाता हूँ। तो आज हवा बहुत ज़्यादा है, काइंडली अगर समझ नहीं आ रही तो काइंडली मैनेज कर लीजिएगा। हाँ जी, क्या हाल है, खाना शाना खाया है? बहुत हवा है यार, बहुत हवा है। ब्लैकी को देखते हैं भाई, ब्लैकी मैं आपको दूर से ही दिखा देता हूँ भाई, ये देखो ब्लैकी के हालात काफ़ी ख़राब थे, अब बेहतर हो गए। जैसे मैं आपको दिखाया था लास्ट टाइम, ये इसका ट्रीटमेंट हो रहा था। तो अभी ये देखो, ये कैट्स को ऊपर ले आए थे सारे, इसको भी ऊपर ले आए और उसको भी, ये खुली हुई थी, ये ऊपर बहुत नीचे बहुत तंग करती थी, ये मेरे परिंदों को भी पड़ जाती थी। हाँ जी, क्या हाल है? गर्मी बहुत ज़्यादा गाइस, काइंडली अपने परिंदों का ख्याल करो। गर्मी एक्चुअली में कभी मौसम ठीक हो जाता है, कभी जो है ना ख़राब हो जाता है। तो आपके लिए जो ना बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जो उनको ठंडी चीज़ें डालें, अपने परिंदों को ठंडी जगह पर रखें, वेंटिलेशन जो है ना उसका ख्याल लाजमी रखें, हवस नहीं होनी चाहिए आपके बर्ड्स रूम के अंदर। और पुदीने का लाजमी इस्तेमाल करें, नींबू पानी का लाजमी इस्तेमाल करें, और इलेक्ट्रोलाइट्स कोई से भी दे सकते हैं। एक्चुअली में मेरे जो मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट तो जो है ना ये देसी चीज़ें हैं, जैसे लेमन हो गया, पुदीना हो गया, कद्दू का जूस हो गया, कद्दू हो गया, या फिर जो है ना क्या नाम लेते हैं ऑरेंज जूस हो गया, ऐसे कोई भी जो है ना मतलब लिक्विड वाली कोई भी सब्जी, कोई भी नेचुरल चीज़ जो है ना ये बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बाकी अगर आपको ये चीज़ें अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप काइंडली वो ORS वगैरह या कोई भी अच्छी सी कंपनी के ना इलेक्ट्रोलाइट्स लेके अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं, ताकि इनको गर्मी में जो है ना कोई इतने मसले मसाइल ना हो। ठीक है जनाब, सो स्पेशली तौर पर जिन लोगों ने जावर रखी हुई है उनके लिए एक मैं बहुत ही मुफीद और बहुत ही जो है ना हैवी सी खुराक, मतलब एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। आपने शायद मील वॉर्म्स का नाम सुना होगा। मील वॉर्म्स आपके सारे परिंदों के लिए, इवन के आपके लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए, आपके हेयर्स के लिए, और परिंदों के लिए तो यार सोना है, कमाल की चीज़ है। यकीन करो कि ऐसी मतलब ऐसी उसके अंदर विटामिंस हैं कि आपकी हैरत होगी। मैंने जिन जिन लोगों को इस्तेमाल करवाते हुए देखा है या सुना है या मतलब मेरा पर्सनली यूज़ भी है, ठीक है जनाब, तो उसमें जो है ना यार वो चीज़ कमाल है, आप यकीन नहीं करो। वीडियो बनाने तक आपने लाजमी देखना है, किसी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको बहुत सारे कम मतलब बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं और बहुत ही कम जो है ना ब्लॉग में बताई जाती हैं ये चीज़ें। तो इसमें जो है ना सबसे बेहतरीन जो मुफीद चीज़ है जो ना ये आपके मील वॉर्म्स होते हैं, और ये इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़ी फार्मिंग की जाती है, और ये आजकल में जो है ना एक बहुत ही बड़ी मतलब इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। मील वॉर्म 30 रुपये का एक मिलता है हमारे इधर एशिया में, पाकिस्तान में, ठीक है जनाब, 30 रुपये का, 40 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर और डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर, ठीक है जनाब। तो ये इसको जो है ना कंडी आप लोग इसकी भी फार्मिंग करें अपने बर्ड्स के लिए, इसका तरीकाकार जो है ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मील वॉर्म्स बहुत ही मुफीद है आपके परिंदों के लिए। आप लोग सारी वो जो है ना क्या नाम लेते हैं सारे फॉर्मूले सारी मेडिसिन भूल जाओगे, सिर्फ ये एक मील वॉर्म इस्तेमाल करवाने से आपके परिंदों की प्रोग्रेस, उनकी ब्रीडिंग, उनका साइज, उनकी शाइनिंग, उनके ग्रोथ, क्या क्या चीज़ें आपको नजर आएंगी आप लोग की सोच होगी, ठीक है जनाब। तो ब्लॉग का मकसद एक तो आपको एजुकेट करना होता है, दूसरा जो है ना एक दो चीज़ें जो आपको जनाब एजुकेशन के हवाले से मैं अगर आपको बता दूँ, मतलब बर्ड्स की एजुकेशन के हवाले से बहुत सारे कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता, और बहुत ही कम लोगों को इतना एक्सपीरियंस होता है कि बर्ड्स के हवाले से या पेट्स के हवाले से जो है ना मतलब लोगों को अवेयर किया जाए, मतलब जिसको जितना एक्सपीरियंस है वो उतना बता देता है। तो बहुत सारे मामला में ऐसा भी होता है कि लोग जो है ना ऐसे यूट्यूब देख कर या सुनी सुनाई बातों पर अमल करके अपने परिंदों का या अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो काइंडली वही चीज़ इस्तेमाल किया करें या वही बातें अमल किया करें जो कि एक्सपीरियंस शुदा हो, जिसने खुद जो है ना एक्सपीरियंस करके आपके साथ शेयर किया हो, ठीक है जनाब। सो मेरा सीन ये है कि मैंने जो एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और होपफुली जो है ना आपको पसंद भी आती होंगी और बहुत सारे लोगों का भला भी हो रहा है। अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ वीडियोज़ के अंदर या वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँ तो वो बहुत ही लंबा चौड़ा हिसाब हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वॉइस मैसेजेस आते हैं, वीडियो की शक्ल में लोग भेज देते हैं कि भाई आपने जो चीज़ें बताई थी वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद थी, मतलब हमारे परिंदे का भी बहुत भला हुआ है, हमारा परिंदा ठीक हो गया, बर्ड ठीक हो गया, पैट ठीक हो गया हमारा। तो
ये मैं अपने मुंह से मियां मिठू नहीं बोल रहा हूँ, ये लोगों के रिव्यूज हैं। तो जनाबे वाला जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो बिल्कुल मेरी तजर्बाकार है। मैंने तकरीबन 2009 और 2008 से जो है ना मैंने मतलब इस परिंदों की पेट्स की फील्ड में हूँ, और छोटा सा था जब से हमने जो है ना परिंदे रखने स्टार्ट कर दिए, तो मेरी समझ लो कि पूरी नस्ल में परिंदे रखना है। तो ये चीज़ें जो है ना मतलब जो चीज़ें मैं आपको नेचुरल बताता हूँ ना, ये सारी हटके मैंने आज तक कोई भी जो है ना मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की अपनी ब्रीडिंग के वजह से। तो कमिंग सीजन मतलब जो सीज़न आ रहा है इसके अंदर अगर मैं मतलब कुछ मैंने सेटअप अगर तैयार किया, अगर कोई बर्ड्स लेके आया, तो उसके अंदर मैं आपको अपनी प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा। तो आप लोग देखोगे कि ये जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, जो बातें आपको बताता हूँ, उसका क्या असर पड़ता है। और मैं आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर ये भी बताऊँगा कि आपने जोड़ा किस तरह से लगाना है, किस तरह का जोड़ा होना चाहिए और कैसी ब्रीड लेनी चाहिए, और किस तरह का जोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, किस तरह का जोड़ा आपके लिए नुकसानदेह रहेगा, और किस तरह आपने जो है ना एक जोड़े से ज़्यादा ब्रीड ले सकते हो। तो काइंडली वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, इसमें बहुत सारी बातें आपके फ़ायदे के लिए होते हैं। ब्लॉग का मतलब फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ कि आपको एजुकेट करना होता है, ना कि आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा के, ये थोड़े से परिंदे दिखा के, तो आपको जो है ना वो मतलब मैं बस इंटरटेन करूँ। एक्चुअली में मेरा मोटो जो है ना आपको एजुकेट करना है। काइंडली वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है और भी लोगों का भला हो, इसको शेयर करें ताकि हम एक बड़ी सी फैमिली बनाएं। और अपने यूट्यूब के इस जो हमारा ये जो हमारी जो फैमिली है, हमारा ये जो चैनल है, इसको हम बहुत ऊपर लेके जाएँ ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो। आप लोग यकीन करो कि मैं फीस अभी लीला ये काम कर रहा हूँ, और मुझे किसी से किसी किस्म की कोई लालच नहीं है, मैं ये ऑन एयर बता रहा हूँ। और जनाब मेरा कोई भी सब्सक्राइबर या मेरा कोई भी फॉलोअर या मेरा कोई भी व्यूअर मुझे या मेरा कोई जाने वाला ये नहीं कह सकता कि भाई आपने हमसे चार्ज किया और आपने हमारी मदद की, नहीं भाई मैं फीस भी लीला करता हूँ, मुझे ये बेजुबान की मदद करने में सुकून मिलता है। तो आप भी काइंडली अपना फर्ज अदा करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, ठीक है जनाब। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ईद मनाते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह निगहबान।